नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या है कि यदि 16a प्लस 16b बराबर 672 है तो a और b का औसत ज्ञात करें। ठीक है, उसने क्या कहा है कि 16a प्लस 16b बराबर 672। ठीक है, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। यहां बचेगा a प्लस बी बराबर 672। तो a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो 672 के बटे में क्या पहुंच जाएगा, 16। 16 से काटेंगे, 16 चुको 64, 3 बचा और 16 दूनी 32। तो a प्लस बी बराबर क्या निकल के आ गया, a निकल के आ गया 42। अब हमें a और b का औसत निकालना है तो a और b का औसत। ठीक है, तो औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है कि दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें और दो संख्या है तो दो से भाग लगा दें। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 42, भाग लगा देंगे 2 का, 2 से काटेंगे 21 बार जाएगा तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। जो दिया हमने उसको आराम से डिफाइन किया, a प्लस वैल्यू की b की वैल्यू निकल आई और a और b का औसत का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो दोनों का जोड़ दिया था 42, 42 में 2 का भाग दिया, आंसर आ गया 21। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।